सैलाब के बाद यहाँ पे बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया, जिसमें ख़ारिश, डायरिया और ज़ुकाम की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से अलखिदमत फाउंडेशन ने और रिलीफ के कामों के साथ साथ ये भी महसूस किया कि यहाँ पे इलाके के जो मुतासर अफराद हैं उसके लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए। अलखिदमत फाउंडेशन नौशेरा और अलखिदमत फाउंडेशन KP ने मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर और लेबॉरेटरी का इंतज़ाम किया है। तो इस अभी तक यहाँ पे तकरीबन 1200 से ज़्यादा जो है ना मरीज़ जो है ना चेकअप हुआ है, और इसको फ्री अद्वियात, फ्री टेस्ट। और इंशाल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक एक सैलाब ज़्यादा भी अपने घर पे बाइज़ा तरीके से वापस न चला जाए। अलखिदमत फाउंडेशन की जो खिदमात हैं सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में वो काबिले तहसीन हैं, और अभी तक जितने भी इलाके हैं उनमें राशन की डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीफ ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी जो रिहैबिलिटेशन की एफ़र्ट्स हैं उसमें वो इसी तरह से हमारे साथ तआवुन करेंगे।